हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज है 4th ऑफ नवंबर, यानी कि आज है दिवाली। और हमारे यहाँ पूजा होती है 2 टाइम, मतलब कि सुबह दोपहर में भी होती है, अरे शाम में भी होती है। शाम में तो वही लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, और दो सुबह जो है कोई पीर साहब हैं उनकी पूजा होती है, तो उसके लिए हम लोग उठे हैं। नींद पूरी नहीं हो पाई है, तो रुक जाओ, मैं लेट जाता हूँ, लेट हो तो इसलिए मैं गया। आईड्रॉप छोड़वा रहा हूँ। रिलेशन तो मैं एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डू यू अंडरस्टैंड दैट? मेरी एक्चुअली आंखें थोड़ी जल रही थी, तो मैंने सोचा कि एड्रेस पढ़वा लेते हैं, जबकि नींद आ ही रही है, बट क्या करें, हमारी पहली लगाओ, पूजा है ना। लगाओ, हाँ करो ना, तुम सब करो। रहता है उसको, मतलब अब जा रहा हूँ उसके साथ पटाखे लेने, मतलब मुझे नहीं चाहिए उसकी, उसी को चाहिए, तो वहीं जा रहा हूँ। ये गौरव, इसको आप जानते हो, ये कार्तिक है। और क्या लेना है ये बताओ। चलो सुतली बम निकालो भाई, इसमें भी उन लोगों का डबल प्रॉफिट होता है। देखो हाँ, मालूम है, मालूम है, एमआरपी निकाल लेना और एमआरपी को 50% से कर लेना बस। हाँ हाँ, मालूम है, 50% पे मिल रहा है लोकल वाला, और 30-35% पे मिल रहा है पॉक का। पता ही नहीं है, सीधा हिसाब है, एमआरपी पे 50%, और वहाँ ठेले पे तुमको मिलेगा नॉर्मल, जो बच्चे बेचते हैं वो लोग पॉक का सामान भेजेंगे और 50% ऑफ पे। 3200 का भी 2200 में हमें पड़ा तो भी ठीक है ना, 4000 रुपए का पटाखा है एमआरपी का तुम्हारा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और तुम 2300 रुपए दे के आए हो, ऑलमोस्ट 50% है, और क्या, चलो उठाओ। क्योंकि मैं उसी रेट पे बात कर रहा था, मैंने उससे 1500-1700। मुंबई में 10 to 12 तक सिखाते हैं, और 1000 तक, मुंबई की वजह से तो मेरा बहुत स्टडी पढ़ाई खराब हो गया है। वहाँ 5th क्लास तक मराठी सिखाते थे, 5th के बाद कका गगा सिखाते थे, दोनों का वही प्रॉब्लम, ठीक है। अब अगर 5th उन्होंने मुझे कका गगा आते नहीं है, वहां से मैं आया यहाँ पे, मेरा 2nd क्लास में एडमिशन होना था, और मुझे कका गगा पता ही नहीं क्या होता है, मराठी का बेसिक आता था हल्का सा, यहाँ से लोग कमल लिख रहे हैं, पेन लिख रहे हैं, फूल लिख रहे हैं, मतलब ये क्या होता है, मुझे कखा का ऊ की मात्रा ही नहीं आता है। और मैं क्या, तो बहुत कुछ, तो तुम लोग को लैंग्वेज में मराठी नहीं सिखाई गई? मराठी आती, मराठी सिर्फ 4 साल है ना, नर्सरी केजी फर्स्ट, मैं क्लास 5th करके आई थी। पहली क्लास से पहले 3 क्लास पढ़ाई जाती है? नहीं नहीं नहीं, दो क्लास 5th तक, यहाँ तो यूपी में 3 पढ़ाई जाती है। मैं क्लास 5th तक मराठी, 4th तक मराठी पूरी सिखा दी जाती है, तुम्हें आती है? हाँ, मराठी मुझे आती थी, पढ़ना लिखना सब आता था, मैं अभी भी समझ लेती हूँ। तो जब मैं यहाँ आई थी ना, तो मुझे मैंने वहां पे अ आ ई क ख ग सीखा था क्लास 5th में। तो जब मैं यहाँ आई ना 6th में, मेरे यहाँ एडमिशन हुआ, अब सब करीब कबीर के दोहे पढ़ते थे 6th में, है ना, और मैं पढ़ती थी वो, नहीं था कबीर के दोहे क ब ब पे ई की मात्रा, र र कबीर द द पे आगे, मतलब ऐसे पढ़ती थी मैं, और सब दोहे फ्लुएंट। तब भी तुमने इतना बहुत कवर कर लिया। चलो, लक्ष्मी गणेश की पूजा का टाइम हो गया, और फिर जाएंगे पटाखे जलाने। आज मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ कि विक्टोरिया का मुंह कहाँ रहेगा, और ये चिपक गया, चिपक जाएगा, चिपक जाएगा, चिपक गया, वेरी गुड। लेकिन विक्टोरिया का मुंह गिर क्यों रहा है, नीचे होगा। अच्छा वो दिए करो, जा रहा गया 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 गया, चलो गिर गया। किधर है ये देखना, ये पीछे है, गया किधर, उसी के ऊपर है, दिए नहीं, दिए के पीछे गिरा, विक्टोरिया की तरफ से गिरा। अच्छा है, क्या हुआ, अच्छा होता है विक्टोरिया की तरफ से गिरना, पलट के गिर जाए ठीक है वो भी, लेकिन इधर से गिरता है तो जबरदस्ती की कहानी। तुम भी 3 लगा, एक साथ जला लोगे? 3 हाँ, एक साथ जला दो, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना। साथ लगाओ।
रुक जा, एक मिनट ये चल रहा है, अनार चल रहा है, रुक जाओ। ये क्या लगेगी? नहीं टेप है ना, मुझे उसी का डर है। क्या हुआ? फुल जड़ी से लगेगा भाई, ये टेप है ना यार, मुझे इसी का डाउट। रुक जाओ रुक जाओ, ये सब खुल जाएगा, बिना टेप के नहीं बंधेगा ये। बढ़िया तो था यार, बढ़िया था, बहुत तेज था। गाड़ी गाड़ी पे कई बार आके लगा, मेरे दो तीन बार मुझे भी लगा मेरे इसमें कुर्ते में छेद हो जाएगा। लगा कि गया। आओ आओ, गेट बंद है। मजा पता कब आती है? जब सेम सेम देखने लगा तो पता चल जाता है। मैंने इसको कुछ भेजा, इसने स्टोरी लगाई। इंस्टाग्राम को ही पता है ना, आज वर्षा ने स्टोरी लगाई थी सेम, जो उसका जो भी सुने उसने सेम लाइन में कहा, वो निप्पा निप्पी स्टार्ट तुमने कल कहाँ कुछ बताया, परसों मौसी डंडा लेके तुमको कूट रही है, ये जाना नहीं चाहिए ब्लॉग में। मुझे बेस्ट पार्ट एक चीज बता दूं, मुझे बेस्ट पार्ट पब्लिक इसी कंटेंट से आती है। पब्लिक इसी, आपने पूरा 90 मिनट का ब्लॉग डाला, कोई मतलब नहीं है, एक मिनट से पब्लिक आ रही है आपके पास। और डिसाइड कर लिए डालना है कि नहीं डालना है। ये साला रंगोली बनाई और लिखा है, साला कोई मिटार के नहीं जाना, रंगोली में लिखा है। नहीं, और वो दूसरा वो ये जवानी है दीवानी का बनी चाहिए जितना ट्राई कर, रंगोली मिटनी मिटनी है। चलो फाइनली अब तुम्हारे घर। अरे डार्क चॉकलेट नहीं खाते हैं बेटू, तुम जबरदस्ती खिला दिए होगे, लोग सूंघ रहा है बार बार। खाओ यार डॉक्टर, बहुत महंगी है। आओ तुम खाओ भाई। हाँ देख लेना, वो भी नहीं खाएगा, वो चाट रहा है। देखो चाट के उसने टेस्ट कर लिया, अब धो के तुम मत खा लेना। वो भी कंपनी से जो आई थी। चलो चलो बेटो, चलो घर आ गए और रात के एक बज रहे, एक बजने में 10 मिनट हो रहा है और जा रहे हैं अब सोने। बाय बाय, और मेरे लिए भी हैप्पी दिवाली करती रहे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में मतलब हैप्पी दिवाली विश कर दीजिए मेरे को। बाय बाय। आ गया। ये बात कट कर दे। हाँ ये बात।